भाई ने बड़े भोलेपन से ये क्वेश्चन किया था, एक अच्छा क्वेश्चन है कि कहते हैं कि मेरी जौजा थी वो नेक थी, नमाजी परहेजगार थी, सब है, लेकिन वो एक गुनाह किया करती थी कि अपनी जो नौकरानियाँ वगैरह हैं जो या जो बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती थीं उनसे अपने पाँव दबवाया करती थी। अब उनका इंतकाल हो गया है तो क्या उनको गुनाह की क्या सज़ा मिलेगी और मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। देखें, पहली बात तो ये कि अपने नौकर से पाँव दबवाना या अपनी शागिर्दा जो बच्चियां हैं उनकी स्टूडेंट्स थीं उनसे पाँव दबवाना फ़ी नफ़्सी ही कोई गुनाह नहीं होता, यानी फ़ी नफ़्सी का मतलब बज़ाते ख़ुद कोई गुनाह नहीं है। हाँ, इसमें खारजी ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसकी बिना पर इसे गुनाह करार दिया जा सके। तो चुनाचे अगर नौकरानी से वो मुनासिब सी खिदमत लेती थी, कोई जुल्म की सूरत नहीं बनती थी, और इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं नाबालिग बच्चे या बालिग बच्चे, अगर उनके वालिदैन इजाज़त दे देते हैं कि असातिज़ा की खिदमत करें, या फिर वहाँ का माहौल और उर्फ ऐसा है कि इतनी खिदमत लेना जो उमूमी तौर पर वहाँ के मुआशरे में राइज हो और माँ बाप को पता चले तो वो बुरा ना माने, इसमें गुनाह की तो कोई भी सूरत नहीं थी, इसमें आपको कोई तश्वीश की हाजत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा था कि वो बेजा खिदमत लेती थी, यानी कई कई घंटे तक पाँव दबाना, पाँव दबाते दबाते वो दबा रही हैं, वो सो गई हैं और मना ना करना और भाई दबाती रहो, बल्कि अगर वो दबाना छोड़ दें तो उठने के बाद इजहार गज़ब करना, तो ये एक जुल्म की सूरत बन जाती है कि कई कई घंटे तक आदमी के हाथ शल हो गए पाँव दबा दबा कर, उनको सुकून ही नहीं मिल रहा है, तो ये एक जुल्म की सूरत हो सकती थी। अगर ऐसी कोई सूरत थी तो इसमें गुनाह हो सकता है और आख़रत में गिरफ्त हो सकती है। तो बहरहाल, अब चूंकि ज़ौजा का इंतकाल हो गया, अब शायद आप वो तमाम चीज़ें भी मालूम ना कर सकें कि किसको क्या तकलीफ़ थी क्या नहीं, तो आप मरहुमा के लिए पहली बात तो ये कि दुआए बख्शिश व मगफरत कसरत के साथ करें, उनके लिए साले सवाब करें और कुछ सवाब जारिया करें। इसके अलावा जिन नौकरानियों या स्टूडेंट्स से उन्होंने पाँव दबाए थे, कोशिश करें कि उनको तो कुछ ना कुछ आप दें, उनके लिए भी साले सवाब करें और उनको कोई अवज़ दे दें, उनको किसी तरह खुश करें, उनको गुजारिश करें कि मरहुमा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा।